हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं थ्रिश किचन और मैं हूं थ्रिशा। आज मैं आपके साथ आलू सोयाबीन की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत इजी है और बहुत यमी है, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही डिफरेंट है। सो इसमें एक ट्विस्ट है, उसके लिए आप एंड तक देखते रहिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने सोयाबीन चंक्स को गर्म पानी में हाफ एन आवर के लिए भिगो कर रखा है। इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दीजिए, जिससे इसके अंदर तक सॉल्ट चला जाए। ये देखिए, हमारे सोयाबीन अच्छे से सोक्ड हो गए हैं। अभी हम इनको हाथों से अच्छे से निचोड़ लेंगे कि इसमें थोड़ा भी पानी ना बचे। मैंने सेम वे से सारे सोयाबीन के पानी को निचोड़ लिया है। देखिए, इसमें अभी कोई मॉइस्चर नहीं बचा है। अभी हम इसमें सॉल्ट एंड टर्मरिक देकर 10 टू 15 मिनट्स के लिए रख देंगे। अभी हम अपने सोयाबीन चंक्स को 1 टू 2 टेबलस्पून ऑयल में फ्राई कर अलग रख लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ कि कम ऑयल यूज़ करूँ। कम ऑयल से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, जस्ट शैलो फ्राई करेंगे और इसको अलग रख लेंगे। ये देखिए, हमारे सोयाबीन अभी गोल्डन कलर के हो गए हैं ऑलमोस्ट। सो अभी ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, हम इसको अलग रख लेंगे। मैंने आलू को उबाल कर रखा हुआ था। आप चाहे तो कच्चे आलू भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें बॉयल आलू ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रखा है। अभी इसको हम सोयाबीन चंक्स की तरह फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके अलग रख लेंगे। यहाँ भी मैं बहुत कम ऑयल यूज़ कर रही हूँ। इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और इसमें सॉल्ट एंड टर्मरिक भी आप ऐड कर लीजिए। अभी हम इसका मसाला रेडी कर रखेंगे। ऑनियन, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली, इसको हम मिक्सी में एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं और एक बार बोल रही हूँ कि इसमें एक ट्विस्ट है, तो आप प्लीज़ एंड तक देखिए। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अभी मैं ये पेस्ट को इसमें डाल दूँगी और इसको तब तक पकाना है जब तक ये मसाला ऑयल ना छोड़ने लगे। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम में बनाएंगे, हाई फ्लेम में मत कीजिए, वरना हमारा मसाला कच्चा रह जाएगा और जल जाएगा। अभी हम अपने सारे ड्राई मसाले ऐड करेंगे। जीरा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और चिली पाउडर। सॉल्ट मैं अभी नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सोयाबीन चंक्स को फ्राई करते टाइम मैंने सॉल्ट ऐड किया था। सो ग्रेवी हो जाने के बाद मैं चेक करूँगी। अभी मैं टोमेटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने एक मीडियम टोमेटो यूज़ किया है यहाँ पर। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और जब तक ये मसाला तेल ना छोड़ने लगे तब तक हम इसको पकाएंगे। अभी मैं इसमें 1 to 2 टेबलस्पून ऑफ टमेटो केचप ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिला लीजिए। हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। अभी हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और सोयाबीन चंक्स को ऐड करेंगे। ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे कि सारे मसाले इसमें अच्छे से चले जाए। अभी मैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिला लीजिए सोयाबीन और आलू के साथ। अभी सारे मसाले सोयाबीन और आलू के साथ अच्छी तरह से मिल गए हैं। हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमको थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है। हमको जितना भी ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कीजिए, क्योंकि ये सोयाबीन चंक्स पानी सोख कर लेते हैं। अभी हम इसमें ग्रीन चिलीज डालेंगे। ग्रीन चिलीज से इसके फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप तीखा खाते हैं तो इसको काट कर भी डाल सकते हैं। इसको हम अभी 5 to 6 मिनट हमने ढक दिया था।
तो देखिए आफ्टर 5 to 6 मिनट ये अच्छे से पक गया है। हमारा ग्रेवी कितना अच्छा दिख रहा है, हमारे सोयाबीन के अंदर सारे मसाले अच्छे से चले गए हैं। अभी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिला लीजिए। अभी हमारा जो ट्विस्ट था वो ये है कि हम इसमें अभी केवड़ा वाटर ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट हो जाता है। सो आप इसको प्लीज़ प्लीज़ ट्राई कीजिए, ये आपको एनी ग्रॉसरी शॉप में मिल जाएगा, इवन आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इससे ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका स्मेल एकदम चेंज हो जाता है। हमारी सोयाबीन आलू की सब्जी अभी रेडी है, इसको आप दाल राइस रोटी के साथ खा सकते हैं, बट मैं इसको प्रेफर करती हूँ पराठे के साथ। आप इसको पराठे के साथ खाकर देखिए, ये बहुत ही यम्मी लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ लाइक द वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।